दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि वीकली ट्रेड यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुपर कॉल कैसे बनाएं। सुपर कॉल का मतलब है कि हर वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो तीन जो है प्रीमियम कॉल हो सकती हैं, क्योंकि प्रीमियम कॉल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ पे हमें बिग अचीवमेंट यानी कि बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी और वो लेवल्स निकाल के रखने होंगे। इसका लॉजिक ये है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, जिसकी वजह से इनसाइडर जो होते हैं वो फ्राइडे को यानी कि डे वन को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी तक मैक्सिमम हाई यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और वो सपोर्ट लेवल या बॉटम लेवल को डिफाइन करके अपने गेम का प्लान करते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्राइडे से और एक्सपायरी के बीच में एक मोमेंटम होगा जरूर। हो सकता है मार्केट इस बीच एक दो दिन साइडवेज चले, लेकिन उसके बाद में एक बड़ा मोमेंटम होगा। कभी कभी तो पूरे चार पांच दिन ही मोमेंटम होता रहता है। तो ये तो एक क्लियर चीज मिल गई, क्लियर आउटपुट मिल गया कि फ्राइडे से और एक्सपायरी के दिन यानी एक्सपायरी 3:30 बजे के बीच में जो है एक अच्छा मोमेंटम होता है। तो इसलिए मोमेंटम को कैच करने के लिए इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया है जो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो 5-10 मिनट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके में हम आपको 3 लेवल निकाल के देंगे जो एक वीक एडवांस में निकालेंगे और उसके बाद में आगे आने वाले वीक में उसको फॉलो करेंगे। वो लेवल कैसे निकालेंगे, उस पर ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, चार्ट में क्या देखना, वो सारी चीजें यहाँ पे इन डेप्थ हमने पहले से प्रिपरेशन कर ली है। जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था कि आने वाले दिनों में हम आपको यूनिक तरीके और सेटअप के बारे में कुछ वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपका जो फाउंडेशन है उस पर एक्ट करने की प्रोसेसिंग हो सके। तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल और रिस्क फ्री तरीका शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई सिंपल या जो नया है नॉइस ट्रेडर है उसको भी इस तरीके से प्रॉफिट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस रिकॉर्डिंग आज मैंने नहीं की थी इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, तो मैंने सोचा चलो सीधे सीधे आपको यहीं पे ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टॉपिक की समरी आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरू से शुरू करेंगे और आपको स्टीम लेवल तक समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में भी लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस डायग्राम को दोस्तों बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत की है ताकि आपको क्लियरिटी दे सकूं और आपके माइंड में चीजें जा सकें, जिसकी वजह से इसका इस टॉपिक देखने के बाद में इस चीज़ का फायदा उठा सकें। दोस्तों यहाँ पे आपको बस सिंपल सी सेटिंग है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आपको समझाता हूँ। कैंडलस्टिक जो आपको लेना है बिल्कुल सिंपल लेना है, टाइम फ्रेम जो रहेगा 1 डे का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, डे 1 की कैंडल लगानी है और सिंपल कैंडलस्टिक रहेगी, बस इतनी ही सिंपल सी सेटिंग है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझने वाली है और यहाँ पे पहले ही मैं क्लैरिटी दे देता हूँ कि जब हम किसी वीक की कैंडल को लगाते हैं, 1 वीक की कोई कैंडल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि मंडे से फ्राइडे के बीच में जो भी मार्केट चलती है 5 डेज, उसका पूरा जो हाई लो होता है उसके हिसाब से वो कैंडल बनती है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी ऑप्शन की एक्सपायरी है उसका रूल क्या है कि वो थर्सडे को एक्सपायर होती है, फिर फ्राइडे का डे 1 होता है और फिर थर्सडे को एक्सपायर होती है, तो उससे क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो डे 1 की कैंडल है वो फ्राइडे से आपको लेना है और थर्सडे तक लेना है ताकि हम क्लियर और अच्छे यूनिक लेवल निकाल सकें और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कैंडलस्टिक के अंदर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे और थर्सडे, ये 5 डेज लेने हैं। अब कोई भी कैंडलस्टिक होगी तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हाई प्राइस और एक तो होता है लो प्राइस, ठीक है। हर कैंडलस्टिक में हाई होगा लो होगा। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है या उसकी बॉडी जो है तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, चार्ट में तो हर तरह की कैंडलस्टिक बनती है, तो ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। तो आपको कैंडल की बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैंडल ग्रीन हो, रेड हो, छोटी हो, बड़ी हो, डोजी हो, उसमें जो भी हाई होगा जो भी लो होगा उस प्राइस को आपको बस लिख लेना है। तो आपको 5 डेज के लिख लेना है। मान लीजिए कि अगले वीक आपको ट्रेड करना है तो जिस दिन एक्सपायरी होगी उसके बाद में ये लेवल्स आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि इनके जो हाई प्राइस होंगे वो 5 डेज के आप अलग अलग नोट कर लेंगे, जितने भी हाई होगा डे का वो 5 दिन के अलग अलग नोट कर लेंगे और जितने भी उसके लो होंगे वो भी आप पेपर पे नोट कर लेंगे। ये जस्ट आपको चार्ट में कर्सर रख के करेंगे तो मुझे लगता है 1-2 मिनट का काम होगा और 5 दिन के आप हाई और लो नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम से आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या करना है पहला स्टेप। उम्मीद करता हूँ स्टेप 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है और इसी को लेकर के आगे टॉपिक में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई और लो को जो मैंने मेंशन किया इसी को लेकर आगे क्लैरिटी देंगे। तो इसी तरीके से आपको पेज में लिख लेना है और उसके बाद में स्टेप 2 आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई एंड लो को जोड़ करके सुपर एवरेज निकालें, सुपर एवरेज निकालना पड़ेगा, इससे मार्केट की आपको बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेंथ पता चलेगी जो हम आपको आगे
समझाएंगे। यहाँ पे आपको समझना यही है कि जो 5 डेज के आपने हाई निकाले हैं तो उस पर आपको ऐड करना है, जैसे ये फ्राइडे का है और ये मंडे का है, ट्यूजडे का है, वेंसडे का है, थर्सडे का है, इस तरीके से 5 डेज के आपने यहाँ पे ऐड कर। इसका जो एक फिगर प्राप्त हुआ है 91690, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस फिगर को हमने डिवाइड किया है 5 से। अब 5 से यहाँ पे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमने 5 डेज को सुपर एवरेज करना है, 5 डेज का हमने डेटा लिया था, इसलिए इस यहाँ पे 5 डेज को डिवाइड किया है। अगर मार्केट में कोई दिन क्लोजिंग होती, बंद रहती है, 4 डेज चलती है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से आपको सुपर एवरेज निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद में जो हमें फिगर प्राप्त हुआ है वो 18338 प्राप्त हुआ है, और ये हमारा वीकली सुपर एवरेज है। सुपर एवरेज का मतलब यही है कि ये ऐसा प्राइस है हायर हाई का कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट मूव करती है तो एक बड़ी मोमेंटम अपसाइड में हो सकती है इस पर्टिकुलर वीक में। और इसी तरीके से लोअर लो को आपको कंसिडर करना है कि भाई 5 डेज के लोअर लो जो आपको निकाले उनको जोड़ करके, और यहाँ पे जो फिगर आया है 90760, तो इसको हमने 5 से यहाँ पे भी डिवाइड किया, और उसी तरीके से यहाँ पे लोअर लो का जो एवरेज निकल गया है 18152, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 लेवल यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसमें समझने वाली बात आपको बस यही है कि जो ये लेवल होगा इसके ऊपर मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये लेवल होगा उसके नीचे उस वीक में मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम हो सकता है। यहां तक आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि आपको तीसरा लेवल कैसे समझाते हैं कि तीसरा लेवल आपको कैसे निकालना है जो इन दोनों के बीच का होगा, और वो उसका यूज कैसे करना है वो चीज आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लेवल 3 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो हायर का जो एवरेज प्राइस निकला है उसको और लोअर का उसको दोनों को जोड़ करके आपको इसमें एवरेज कर देना है, तो इसके बीच का प्राइस निकल आएगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो आपका ये प्राइस निकला है और ये वाला प्राइस निकला है, इन दोनों को जोड़ करके तीसरा प्राइस बीच में निकल आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लेवल अच्छे से मिल जाएंगे। लेवल 1 यहाँ पे मिला है 18338, लेवल 2 यहाँ पे मिला है 18152, और लेवल 3 यहाँ पे मिला है 18250। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए हमें 3 लेवल अच्छे से मिल जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको 2 स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको तीसरा स्टेप यही करना है कि जो आपने लेवल्स को फाइंड आउट किया है उसको आपको लिख लो पेपर पे, उसके बाद में चार्ट में जाओ और वहाँ पे मार्क कर लो, ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन लगा लो और पेपर में भी लाइन लगा के उसके आगे लेवल लिख लो, ताकि आपके माइंड मेकअप रहे कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हम बताएंगे, लेकिन जैसे हमने 3 लेवल निकाले तो इसमें हायर हाई और लोअर लो और मिडिल का जो लेवल है यहाँ पे 3 लेवल को निकाल देना है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी वीक में जब एक्सपायरी होगी तो फ्राइडे से और एक्सपायरी के बीच में एक मूव होगा, तो वो मूव या तो इधर तोड़ के जाएगा या तो इधर तोड़ के जाएगा, क्योंकि नेचुरली इस फाउंडेशन में मार्केट नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल सकती है, मान लीजिए कि एक्सपायरी के बाद में, या गैप डाउन भी खुल सकती है, तो वो चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। बस आपको लेवल फाइंड आउट करके इस तरह के मार्क करके लाइन को लगा लेना है। अब यहाँ पे लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लोबली ट्रैफिक नहीं होता है, या जो मैक्सिमम लोग हैं तो इस तरीके से नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल तरीका है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल लेवल की जो चीजें होती है, जैसे कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ी कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे उस हिसाब से अपने ट्रेड का प्लान करती है। लेकिन जो ये चीज मैं अपनी इंडिविजुअल रिसर्च शेयर कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए लेवल अच्छे से काम करते हैं। नॉर्मली जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट गिरते गिरते आई रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ले रही, ऊपर जा रही थी, फिर लो तोड़ के सबको यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया, फिर ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उस हिसाब से ये सब चीजें काम करती हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल्स निकाल लेते हैं लोग, या अपना कोई भी तरीका, जैसे मैं अपना एक तरीका आपको शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी अपना कोई तरीका सोच सकते हैं। हजारों लाखों लोग अपना तरीका इस तरीके से सोच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इस पर ट्रैफिक नहीं होगा, कहने का मतलब मार्केट गिरेगी तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अच्छे से आ गई नीचे तो फिर उसके बाद में ये गिरती रहेगी। अगर इसके नीचे और सप्लाई आ गई तो गिर गई, या नीचे से यहाँ पे ब्रेकआउट की तो वो ट्रैफिक नहीं होगा कि इसमें ट्रैपिंग हो गई, रिटेस्ट हो गई, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं होती है। ये शार्प लेवल होते हैं और जब भी ये किसी हायर या लो के नीचे ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे बनाए। तो एंट्री बनाने से पहले आपको हम बताते हैं कि पिछले 2 वीक में क्या हुआ, ताकि आपके माइंड में और भी क्लियरिटी जा सके, और इस तरीके से आप 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद डेटा बना सकते हैं। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीजें आपको मिलेंगी। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रियल में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में क्या हुआ, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे कि 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में क्या हुआ, और ये 2 सप्ताह में हम हर तरह से आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में टेस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, और ये रियल डेटा है, जो ये फिगर है रियल है, आप इसको टैली कर सकते हैं, चार्ट लगा के आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मैंने निफ्टी 50 लिया है, निफ्टी 50 लेने का कारण यही है कि इसमें थोड़ा कैंडल की क्लियरिटी ज़्यादा है, मैनिपुलेशन उतना नहीं हो पाता, बैंक निफ्टी में थोड़ा अपर डाउन होता है, तो यहाँ पे नए लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने मेन पार्ट को निफ्टी 50 लिया है। अब ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन नॉइस ट्रेडर के लिए थोड़ा निफ्टी 50 सही रहेगा, इसलिए इसमें हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, दोनों चीज़ों में काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे 2 दिसंबर को फ्राइडे था तो यहाँ पे हमने फ्राइडे का लिया है, फिर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे
और उसके बाद में थर्सडे का डेटा लिया है, तो जो फिगर है उसको उसी तरीके से डिवाइड किया, तो यहाँ पे पहला स्टेप हमें 18691 हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद दो को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 18574, और उसके बाद में हमने इन दोनों को ऐड किया है तीसरा फिगर निकालने के लिए, तो वो हमें मिला है 18632। तो इस तरीके से हमने उस लेवल को यहाँ पे लिखा है, लेवल 1 है 18691 और लेवल 2 है 18632 और लेवल 3 है 18574। तो इस तरीके से तीन लेवल हमारे रियल में निकालनी है। अब इसको हम चार्ट में आपको समझाएंगे डिफाइन करके कि कैसे मार्केट में आपको एंट्री एग्जीक्यूट करना है। और ये जो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअल ये जो इसकी हाई और लो है, तो ये स्क्रीनशॉट है उन्हीं कैंडल्स का जिनका ये हाई लो लिया गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। अभी हम चार्ट में दिखाएंगे तो आप यहाँ से भी टैली करा सकते हैं, आपके माइंड में इमेज जानी चाहिए, क्योंकि यही 5 दिन का हाई लो को कैलकुलेशन करके ये तीन लेवल निकाले गए हैं। फिर उसका जो रिजल्ट है तो इस वीक में क्या हुआ वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमने जो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ये भी रियल डेटा लिया, तो उसमें 5 दिन इस तरह से कैंडल बनी है, और ये फ्राइडे की कैंडल है, ये मंडे की है, ट्यूजडे की है, वेडनेसडे की है, और ये एक्सपायरी वाले दिन की है। तो इसका भी ये रियल डाटा चाहे तो टेली करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे तीन लेवल निकाले गए हैं उसी तरीके से, सुपर एवरेज, फिर उसके बाद में फाइनल आपको एक लेवल और निकाला गया है। तो इस लेवल में आप देख सकते हैं कि ये 18705, 18628, 18551 इस तरीके से तीन लेवल निकले हैं। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, और उसके बाद में हम चार्ट में चलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आपको इस चीज़ को फाइंड आउट करके ट्रेड को प्लान करना है और वो क्लियरिटी देंगे। यहाँ पे पिछले 6 वीक का पहले हम लोगों ने कंसीडर किया था, पिछले लास्ट 6 वीक का यहाँ पे करेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत ही बड़ा हो जाता है और फिर यही चीज़ें 6 वीक के लेकर के फिर बाद चार्ट में बताने में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। तो यहाँ पे 2 दिन का हमने यहाँ पे समझा दिया, इसी तरीके से आप बैक टेस्ट कर लेना, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ रिजल्ट आपको वही में मिलेगा। तो दो फिगर आपको यहाँ पे मिल गए, तीन लेवल ये मिल गए 25 नवंबर से दिसंबर के बीच में, और यहाँ पे जो है तो ये 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, और उसके बाद में अभी ये रनिंग वीक चल रहा है जिसकी क्लोजिंग होगी, एक्सपायरी होगी, उसके बाद में इसका अगले वीक का निकले। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि मार्केट के बिहेवियर के साथ में आपको एंट्री कैसे लेना है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, क्या करना है, वो सारा डिटेल यहाँ पे हम आपको क्लियरिटी देते हैं। उसके बाद में चार्ट में आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया कि आपके तीन लेवल्स निकल चुके हैं, अब आपको ट्रेड लेना है, एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, उसकी क्लियरिटी यहाँ पे देंगे। उसके बाद में चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कैंडल का टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट का लगाना है। 30 मिनट का इसलिए लगाना है ताकि हमें ऑल ओवर अच्छे से डिमांड एंड सप्लाई पता चल सके। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें वीक में 1 या 2 ही कॉल मिलेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टारगेट अच्छा मिल जाएगा। ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मत सोचिएगा। हाँ, इंट्राडे में ही कॉल बनेगी, लेकिन ये डेली कॉल बनेगी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो वो चीज़ आगे हम आपको क्लियरिटी देंगे, यहाँ पे साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लेवल्स में मार्केट जब अगले दिन है कभी भी कहीं पर भी ओपन हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना, मान लीजिए कि अगर ये तीसरा लेवल जो आपका है सबसे हायर है उसके ऊपर अगर ये 30 मिनट में मार्केट ओपन हो जाती है और मार्केट नीचे आती है और इस लेवल को ब्रेक होके या इसके नीचे आ जाती है और यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है बढ़ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जब आप ट्रेड लेंगे तो जो आपका लेवल रहेगा उस लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल उसके अपोजिट बुलिश हो जाएगी 30 मिनट में, तो आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे, अदरवाइज एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम चार्ट में दिखाएंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे डिफाइन करना है, बशर्ते इस लेवल के नीचे के आने के बाद में क्या है कि जो आपका बीच वाला लेवल है, बीच वाला लेवल क्या करता है, ये हमें आपको सपोर्ट देता है कि भाई कहाँ तक एक्सपेक्टेड मार्केट चली जाएगी। तो अगर इस लेवल के आसपास तक आती है तो यहाँ पे अपना आप टारगेट बुक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये कॉल चलेगी आपकी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, या अगर आप होल्ड करने की तो मैं यहाँ पे नहीं सलाह दूंगा, लेकिन ये होता कभी कभी कि मार्केट अगर सेम ट्रेंड में है तो गिरती चली जाएगी या भागती चली जाएगी, तो वो कंडीशनल होता है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर मान लीजिए कि यहीं से मार्केट में मूवमेंट होता है तो यहाँ पे री एंट्री का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि आपका लेवल ये था यहाँ पे हो गया। आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल अगर इसके उल्टा इस बीच में भी कोई अगर उल्टा पॉजिटिव 30 मिनट की पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी तो वहाँ पे एग्जिट करना पड़ सकता है, तो वो चीज़ भी हम चार्ट में बता देंगे। तो यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि एक लेवल पे गई, अगर ये वहाँ से उसी लेवल से दोबारा अगर मूव करती नीचे साइड में इस तरह से सेम सिचुएशन जनरेट करती है तो यहाँ पर री एंट्री लेंगे, क्योंकि जो हमारा हायर हाई लेवल है उसके ऊपर ही ज़्यादा बायर आने वाले हैं। कहने का मतलब है जो एवरेज हमने निकाला है सुपर एवरेज निकाला है तो उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल की बाइंग होगी, जब इसके हायर हाई के ऊपर जाएगी तो इस लेवल को टकरा के फिर आती है तो फिर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अगर बहुत गैप डाउन खुल गई और ये ऊपर की तरफ आती है तो ये वाला जो बॉटम का हमारा लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि डिमांड इंजेक्ट हो जाती है अच्छे से आपको पता चल जाता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद में आपको ये टारगेट होगा, हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज हो जाए
अगले दिन गैप अप खुले, फिर भी इस तरह मार्केट एक वीक चलती रहे तो वो कंडीशनल है। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और 30 मिनट के हिसाब से उसको ट्रैक करेंगे, जैसे ही 30 मिनट में कोई निगेटिव कैंडल बनेगी तो उसको आप एग्जिट करेंगे, अदरवाइज उसको 2-4, 6 घंटे, 8 घंटे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको 2-4, 6 घंटे होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको कुछ और साइकोलॉजी यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट बीच में खुलेगी तो आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि मार्केट हायर हाई के ऊपर खुली नीचे आ रही है, ठीक बात है, लोअर लो के खुली ऊपर जा रही है, ये भी ठीक बात है, लेकिन हो सकता है कि इस लेवल के बीच में खुल जाए। तो जैसे बीच में खुल जाएगी तो इस लेवल पर आपको ट्रेड नहीं करना है ज़्यादा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। कारण ये है कि इसके हायर हाई के ऊपर ज़्यादा बायर आएंगे, लोअर लो के नीचे ज़्यादा सेलर आएंगे, बीच में क्या स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो बीच में ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। दूसरी एक बात और आपको लाइटली ध्यान रखना होगा कि जैसे मार्केट में मान लीजिए कि ऊपर से आई और नीचे लोअर लो को तोड़ दी, तो क्या यहाँ से टर्न होती है, तो क्या यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको बाकी चीज़ें ये ध्यान देना होगा कि भाई ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड क्या है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये इस लेवल के ऊपर आती है तो यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल को टच करे या ऊपर भाग जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि बार बार नहीं करनी है, अगर एक या दो कॉल हमारी अच्छी हो गई तो उस वीक में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर बीच जोन में घूम रही होगी तो इस लेवल के ऊपर गई नीचे गई तो फिर आपको वहाँ पे जब चौपी मार्केट चलेगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे बीच से ब्रेक करे तो ये दो सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी है, या फिर ऊपर से गिरती हुई नीचे को ये ब्रेक करे तो ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, या फिर ये नीचे से जाते हुए ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ये सिचुएशन अच्छी है। तो इन 4 सिचुएशन पर आपको फोकस रखना है। और री एंट्री के लिए ये है कि भाई नीचे से ही जा रही तो एक एंट्री यहां मिल सकती है, हायर हाई के ऊपर से अगर ऐसे गिरती तो यहां पे री एंट्री मिल सकती है। तो ये 5-6 सिचुएशन अपने माइंड में रखना है और इसी हिसाब से आपको काम करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको चार्ट में ले चलते हैं और एग्जैक्टली दिखाते हैं कि कैसे आपको काम। तो मैंने चार्ट को ओपन किया है और सिंपल सी सेटिंग लगा ली है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 डे की सिंपल सेटिंग लगानी है। दोस्तों वीडियो बहुत ही यूनिक है, अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 डे की सिंपल कैंडलस्टिक लगा ली है। अब आपके जो हायर हाई और लोअर लो हमने लिखे थे रियल में, वो कौन सी डेट के थे, हमने लिखा था वहाँ पे 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में, और इसी का स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिखाया था, क्योंकि अभी ये रनिंग वीक अभी चल रहा है, आज एक्सपायरी है। और दूसरा जो हमने आपको बताया था वो बताया था 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ये वाला पार्ट, तो यही 2 स्क्रीनशॉट वहाँ उसमें दिखाए थे। और इसके बाद भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इस वीक में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें भी अच्छी एक्यूरेसी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल से है दोस्तों। कहने का मतलब है मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, कुछ भी हो, वो एक हाई और एक लो डेली बनाती है। जैसे मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ये 25 तारीख को बनाया, और फिर उसके 26-27 छुट्टी थी, फिर ये 28 को बनाया, 29 को बनाया, 30 को बनाया, 1 दिसंबर को बनाया, तो इसके जो भी हाई पॉइंट हैं वो हमने नोट करके एक एवरेज हाई निकाल लिया, और फिर इसके लोज पे हमने सारे लोज को एक एवरेज लोज निकाल लिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहली चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि इन दोनों लेवल के ऊपर जो है एक स्ट्रेंथ आएगी ना। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाती तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलती, या फिर इस बॉटम लाइन के नीचे जो भी एवरेज लाइन होती है उसके नीचे जाती तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलती। तो इस तरीके से इस टॉपिक को डिजाइन किया है। तो इसमें बहुत ही सिंपली आपको ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ जो सच में काम करती हैं, और इसका बैक टेस्ट भी आप कर सकते हो। अब आपको हम समझाते हैं कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से इन दिनों में जो लेवल्स निकाले, लेवल्स हमने निकाले थे, आपको ध्यान होगा, लेवल्स हमने जो निकाले थे आपको याद होगा कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में जो लेवल थे वो थे 18,691, और दूसरा जो मिड वाला लेवल था 18,632 रुपये था, और तीसरा लेवल था 18,574 रुपये। ये 3 लेवल निकाले थे 2 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में एवरेजिंग करके, और जो पूरी हमने फार्मूला डिस्कस किया उसके हिसाब से। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने बताया ना कि डिमांड सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड सप्लाई समझने के लिए आपको 30 मिनट का कैंडल लगाना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। 30 मिनट का कैंडल क्या करता है कि जिस तरफ मोमेंटम होगा उसी तरफ जो है हमें अच्छे से क्लैरिटी दे देता है कि मार्केट में ऑल ओवर जो डायरेक्शनल वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जो लेवल्स निकाले थे, तो ये मैं कर्सर रख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 तारीख, तो 2 तारीख को आप देख सकते हैं कि ये वाला डेटा हमने लिया था, इसका हायर हाई है 18,778, तो जो हमने जोड़ करके बनाया उसी हिसाब से हाई लो के करके बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बना लिया तो अगले दिन उसको अप्लाई कैसे करना है, तो 9 तारीख को अप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 तक हमने बनाया ना, तो 8 के बाद में 9 तारीख को यानी कि फ्राइडे को अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे लेवल्स थे, लेवल्स के हिसाब से आपको लाइन लगानी होगी। डिमांड सप्लाई को आपको 30 मिनट में देखना है, कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 9 तारीख को कि हर 30 मिनट की जो कैंडल है इसमें जो है तो सप्लाई
बहुत ही ज़्यादा हो रही है, सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है, इसके बीच में अच्छे से कहीं पे डिमांड आपको नहीं दिख रही है, तो ऐसे केस में आपको ये समझना है कि डायरेक्शनल वैल्यू दे देती है 30 मिनट की कैंडल, पर्टिकुलर जिस भी डायरेक्शन में होगी तो वो आपको यहाँ से क्लियरिटी मिल जाएगी। अब आपको एंट्री लेने के लिए टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा 10 मिनट का। दोस्तों जो लेवल्स आपको निकालने हैं उनको कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बस जो आपके लेवल्स निकले उसके हिसाब से लाइन को खींचना है। अब जो हमारा 91 का लेवल था, 691 कहाँ है, टॉप पे है, देखिए 89, 90, 91, ठीक है। दूसरा हमारा लेवल था 32 का, तो वो यहीं कहीं पे है 33, 32, और तीसरा लेवल था हमारा जो 74 का, ठीक है, 74 का। तो तीनों लेवल अगर मैं जूम करके लगाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे। पहला लेवल इसके ऊपर है क्योंकि ये 91 का है, और दूसरा जो लेवल है हमारा वो जस्ट इस लाइन को इस तरीके से टच कर रहा है, आप लगा के देख सकते हैं, और तीसरा जो लेवल है हमारा 74 वाला वो जस्ट इसके यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से टच कर रहा है। तो कहने का मतलब है तीनों लेवल आपने निकाल लिया। अब जब मार्केट इसके हायर हाई के ऊपर होती तो फोर्स मूव अपसाइड में हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी जो है तो हमारे बीच वाले लेवल में आई और नीचे की तरफ जो है हमारी सप्लाई ज़्यादा हो रही, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं दिखी। 10 मिनट कैंडल भी निगेटिव ही है, ठीक है। उसके बाद में जब ये 632 वाले जोन के बीच में चली गई थी, चूंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी थी, क्लोजिंग प्राइस देखिए होगी नहीं होगी वो मैटर नहीं करता, लेकिन इस लेवल के नीचे आपकी जब कैंडल आ जाएगी और यहाँ पे जैसे ही डिमांड यहाँ पे जैसे ही सप्लाई जो है अच्छे से बढ़ेगी तो वहाँ पे आपको ट्रेड करना है, और इसके पिछले कैंडल के ऊपर जो भी हायर हाई होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी तरफ आपको 30 मिनट कैंडल के हिसाब से ट्रैकिंग करते रहना है, क्योंकि 30 मिनट में अगर मार्केट घूम जाएगी तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इस कॉल को आप लंबा थोड़ा ले जाएंगे क्योंकि ये छोटी कॉल्स नहीं होती है, इसमें फोर्स मूव होता है। तो जैसे दूसरा जो हमारा लेवल था वहाँ पे मार्केट उस लेवल को ब्रेक की और उसके नीचे फिर मार्केट जाकर के नीचे चली आई, जो हमारा लेवल था 74 का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्सर लगा के समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 91 के नीचे आई, और ये जो लेवल था 32 यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे है 31-32 लेवल। तो जैसे इस लेवल के नीचे आई तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर उल्टा जाने की कोशिश की, तो ये जो है ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निगेटिव क्लोज हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लेवल ये था और मार्केट में देखिए दो कैंडल नीचे आई, हालांकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी, लेकिन उसके बाद में जब सप्लाई इंजेक्ट हुई ऑलरेडी आपकी 30 मिनट में कैंडल बेरिश थी, तो यहाँ पे ट्रेड लेना था और इसके हायर हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ग्रीन रेड कैंडल बनने के बाद में अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ऊपर के साइड में बन जाएगी तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। अब बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट को आपको इस तरह डिफाइन करना है कि जैसे ये लेवल ब्रेक किया 632 का, तो हमारा जो दूसरा लेवल था 574 रुपये का, तो 574 रुपये का लेवल यहाँ पे था, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके नीचे चली गई तो मतलब बस आपको ये ध्यान देना है ना कि बायर इसमें है ही नहीं, हर एक लेवल को टूट रहा है, तो नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। अब यहाँ पे जैसे इस तरह से सप्लाई इंजेक्ट हुई तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ट्रेड कब लेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से जब कैंडल बनेगी इस तरीके से बड़ी वाली सप्लाई, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सप्लाई जिस कैंडल में अच्छे से इंजेक्ट हो जाएगी उस चीज़ को आपको ध्यान देना। आप लेवल के नीचे हैं तो यहाँ पे आप ये समझो कि बायर नहीं आने वाले हैं जब तक इस लेवल के ऊपर ना हो, तो इस तरीके से आप देखोगे कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा फोर्स मूव हुआ, और टारगेट को लंबा बनाए रखने के लिए आपको 30 मिनट की लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना कि 30 मिनट में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो इस 30 मिनट में देखोगे तो यहाँ तक कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं था, ये कैंडल यहाँ पे छोटी सी बनी है, इसमें इतने बायर आ नहीं पाए, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, तो 30 मिनट में अपना हिसाब से आप प्लान कर लो। टारगेट की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी 50 है, तो इसमें आपको कम से कम 150 से 300, 250 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें कम से कम 200 से 400, 500 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि जिधर डायरेक्शन में जा रहा है तो जाएगा, उसके अपोजिट नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 10 मिनट के हिसाब से उसके बाद क्या करना है, लेवल्स पे जैसे एक चीज़ हमने बताई थी ना कि जो हमारे लेवल्स रहेंगे 74 के नीचे, अब उसके नीचे मार्केट जैसे आ गई और ये चली गई, उसके बाद में दोबारा जो हमारा लेवल्स था तो ये लेवल्स था, और यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे इसको ध्यान से लगाएंगे, मैं कर्सर रख देता हूँ, तो आप देखिए 74 वाला जो हमारा लेवल था, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, 72, 73, 74 आप देख सकते हैं यहाँ पे 73, 43 है, तो ये 74 वाला लेवल था, ठीक है। अब 74 वाले लेवल के ऊपर आने का मतलब है कि जो सेलिंग कम्युनिटी थी तो वो पूरी तरीके से चेंज हो गया उसकी साइकोलॉजी, और यहाँ से बुलिश मोमेंटम गया और हायर हाई को तोड़ दिया। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया क्या यहाँ पे हम उल्टा जो इतनी मार्केट ऊपर गई है तो क्या यहाँ पे हम बाय नहीं करते, करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो भैया ये वो लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड सिखा ही नहीं रहा हूँ, हमने आपको सिर्फ ये बताया कि तीन लाइनें हैं उनको लगाओ और उसके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी मिले एक दो बार उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। दोबारा यहाँ पे जैसे इस लाइन के ऊपर आई तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी बुलिश साइड में, और जैसे ही इस लाइन के नीचे फिर तिवारा यहाँ पे आई तो यहाँ पे बेरिश साइड में भी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मार्केट देखिए जो हायर हाई है हमारा हायर हाई कितना था 691 का। तो मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ और आप देखेंगे कि कल का मैं हंस रहा था क्योंकि कल वीडियो नहीं डाल पाया था एडिटर साहब की वजह से, लेकिन उसी लेवल पे
91 था और ये हायर हाई 93-94 का कल गया है, आप सोच के देखिए। ठीक है, तो जो हमारी हायर हाई लाइन थी उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, तो इसी वजह से बहुत ही फोर्स मूव जो बुलिश साइड में आना था नहीं आया, बजाय कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया और डिस्ट्रीब्यूशन किया और गिर गई। यहाँ पे आप देख सकते क्लोजिंग प्राइस थी, उसकी क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही मार्केट का बेरिश मोमेंटम हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमने लेवल्स निकाले थे उस लेवल्स के हिसाब से जो ये मूव था ऊपर वाला 691 उसके ऊपर नहीं गया, लेकिन अगर ये इसके ऊपर जा पाता अच्छे से, जैसे इसके नीचे इस तरीके से आ गया था, इसके ऊपर डिमांड इंजेक्ट हो जाती तो ऊपर 250 का 300 का फोर्स मूव हो सकता था एक दो दिन में। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 91 का लेवल था और ये 32 का लेवल था और ये 74 का लेवल था। अब एक दूसरी क्लैरिटी यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे और वो है कि 25 नवंबर से और उसके बाद में 1 दिसंबर के बीच में क्या हुआ। तो 30 मिनट की हमने कैंडल लगानी है और 30 मिनट में हम आपको बताते हैं 25। तो 25 तारीख को आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 है और ये है 25 तारीख का पहला कैंडल आधा घंटे का। तो ये 25 का हमने एनालाइज करके रियल लेवल निकाले थे, ये है 28 का क्योंकि 26-27 छुट्टी थी, ये 29 का है और ये है 30 का और ये जो है 1 तारीख को। तो इसको अप्लाई करना होता है उसके बाद में 2 तारीख को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो हमने लेवल्स निकाले थे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन 1 दिसंबर के बीच में 18,705 का हायर लेवल था, दूसरा था 18,626 का और तीसरा था 18,551 का। ठीक है, 18,551 का 3 लेवल निकाले थे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसको अप्लाई कब करेंगे, क्योंकि 1 तक तो हमने निकाले थे, 2 को अप्लाई करने थे। अब 2 तारीख को मैं जूम करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। तो जो हमारा लेवल था 705 रुपये का पहला ओपन हुई है, तो इसका हायर हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है कि 18,778, यानी कि 18,778 पे ओपन हुई है। तो अब जैसे कि हमने लेवल्स में आपको एक चीज़ बताई थी ना कि मार्केट ऑलरेडी आपके लेवल के ऊपर है, आपका लेवल कितने का है 705 का, तो 705 को ड्रा करना है। 705 कहाँ पे आ रहा है भाई, 705 कहाँ पे आ रहा है वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ गया ये। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसे इन लेवल का इफेक्ट होता है मार्केट में। 705 का जो लेवल था वो निकला था यहाँ पे, आप देखिए 719, 708, 707, 705 ये वाला लेवल है दोस्तों। यानी कि मार्केट जो है हमारा जो 705 का लेवल था वो ये था और दूसरा था हमारा 626 का लेवल, तो लगभग तकरीबन यहाँ के आसपास था 626, और तीसरा जो था 551 का तो वो और नीचे था। तो दोस्तों अब समझने वाली बात ये है कि जैसे ही ये इस लेवल के नीचे आया, यानी कि 705 के नीचे आया, तो जो चीज़ें हमने बताई ना कि अभी 10 मिनट में हम आपको दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था और वो दूसरे टारगेट तक ही गया है, उसके बाद दोबारा उसी लेवल पर गया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भाई जब इसके ऊपर पूरी जा करके क्लैरिटी नहीं मिल पाई, तो जिसकी वजह से मार्केट क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो पाई, क्योंकि हायर हाई के ऊपर नहीं आया। किसी चीज़ का अगर हायर हाई के ऊपर नहीं आएगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैसे होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शॉर्ट में ये जो कंसोलिडेशन था उसके बाद में शॉर्ट था, तो इसमें वीकली देखिए आइडिया लग रहा है ना कि फिर ये गिरेगा गिरेगा, फिर अपने सेकंड लेवल के नीचे आया और फिर थर्ड लेवल के नीचे आया। तो इसको मैं थोड़ा सा 10 मिनट में यहाँ पे लगा के आपको समझाता हूँ कि 10 मिनट में थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। तो 2 तारीख की डेट थी और 2 तारीख की जो 10 मिनट की कैंडल है वो ये है। तो 2 तारीख में देखिए कि वो जो है हायर हाई के ऊपर खुला था। अब जैसे मान लीजिए कि किसी लेवल के ऊपर खुल के और 10 मिनट में देखिए बेरिस आ ही रहा नीचे की तरफ, तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे हम उल्टा बाय कर लेंगे, लेकिन जो हमारे लेवल थे वो बहुत ही अच्छा काम करते। जल्दी से मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो लेवल था 705 रुपये का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 705 के नीचे जैसे ही यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट होती है मार्केट गिर जाती है। अपने अगले लेवल जो था 626-27 रुपये का था, हालांकि मार्केट 638 रुपये की गई है। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि कोई पीओट हो सकता है, कोई क्लोजिंग हो सकती है, कोई टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर वहाँ से टर्न होगी तो आप अपना देख के निकल सकते हो, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो लंबे मूव के लिए, क्योंकि इसके ऊपर नहीं आएगा तो फिर आपका नहीं होगा। होल्डिंग की मैं यहाँ पे सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे जा करके कोई जो है डिमांड इंजेक्ट हो जाती है ऐसे केसेस में, तो आपने यहाँ पे या यहाँ पे जो भी ट्रेड लिया तो उसके हिसाब से निकल सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि साथ साथ में देखना है कि उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी तो मार्केट नहीं जाएगी। देखिए 705 के ऊपर जा नहीं पा रही है, यहीं पर क्लोजिंग हुई, अगले दिन जैसे ही ऊपर नीचे आई तो ये लेवल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर देखिए एक अच्छा जो है तो टारगेट मिल गया। अब ये लेवल इसके लिए पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर हाई का लेवल है, और सच में आपको हंसी भी आएगी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे तो आप देखिए इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ
कोई कैंडल इसके ऊपर नहीं निकली है, देखिए 704-5 का लेवल मैंने लगा दिया, कोई 10 मिनट की कैंडल उस पार निकल करके नहीं हुई जैसे कि प्रीवियस हमने दिखाया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो फोर्स मूव अपसाइड का है वो अभी नहीं हो रहा है, और मार्केट यहाँ पे देखिए मार्केट गिर गई। 26 का जो हमारा लेवल था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शायद ब्रेक हुआ है 626 से 591 का, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ करके और यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना। अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर आपको मान लीजिए कि एक दो बार कॉल मिल गई तो टॉपिक में पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब आपको मेन जो सावधानियां रखनी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए व्यवहार ही आपको प्रॉफिट देगा, मार्केट के व्यवहार और लेवल के व्यवहार में ट्यूनिंग कराना। तो यहाँ पे बस आपको क्लियरिटी देते हैं, क्योंकि नॉइस ट्रेडर होंगे तो कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे जो तीन लाइन आपको लगा लेनी है, जो लेवल्स आपके निकलेंगे 1 और 2, 3। अब मार्केट के बिहेवियर को कैसे एनालाइज करना है, मान लीजिए कि फर्स्ट डे मार्केट टॉप से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा थर्ड लेवल होगा उसके नीचे आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। रीजन क्या है कि वो पहले टॉप से आई है तो ऑलरेडी वो बॉटम पे आ चुकी है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी और यहीं से मार्केट ट्रैप करके ऊपर जा सकती है। तो मार्केट का व्यवहार यही है कि अगर वो लेवल के ऊपर या पहले लेवल के आसपास खुल के डाउन साइड में आती है तो डाउन लेवल जाने के बाद में आपको शॉर्ट नहीं करना है। ये गलती आप अपने डिफाइन करके पहले लिख लेंगे जो आप अपनी रूल बुक बनाएंगे। दूसरी गलती ये नहीं करना है कि मार्केट अगर नीचे से जा रही, मान लीजिए मार्केट नीचे से यहाँ पे खुली और पहले दिन ही वो इसको ब्रेक करती है और उसके बाद में ऊपर जाके यहाँ ब्रेक करती है, तो आप सोचोगे कि इस हायर हाई को ब्रेक करने के बाद में बहुत सारे बायर आएंगे जैसे कि सर ने बताया था। तो उससे पहले की मार्केट आप एनालाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ही बुलिश मोमेंटम था, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, तो मार्केट यहाँ पे लौट सकती है, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना। अब इन दोनों कंडीशन में करना क्या है वो आपको ध्यान रखना। अगर मार्केट ऊपर से या इसके आसपास से नीचे आ रही है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट ये ले सकते हैं, उसके बाद इसके भी नीचे आ जाती है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, तो दो कॉल बना सकते हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे टकरा के उल्टा वापस जा रही है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, इसी पर्टिकुलर लेवल पे जा करके टच करके अगर घूमती है तो यहाँ पे ट्रेड करके और इसके यहाँ पे इसका प्रॉफिट लेंगे। तो ट्रेड यहाँ पे करेंगे, ट्रेड यहाँ पे करेंगे, ट्रेड यहाँ पे करेंगे, और ये जो ट्रेड हैं ये सेल साइड में ट्रेड हैं क्योंकि ये हायर लेवल के नीचे है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके नीचे आते ही हम सेल साइड का ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि लौटती है यहाँ से तो क्या यहाँ पे बाय करेंगे, तो इसको भी हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि रीजन ये है कि मार्केट का जो ऑल ओवर डायरेक्शन है तो बेरिश साइड में है। तो तीन हीटिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगर ये सिचुएशन मिलती है, और ऊपर के जैसे हमने बताया ना कि अगर नीचे से मार्केट खुल के ऊपर आती है तो यहीं पर बाय करना है, और इसके बाद में यहाँ पे इस सिचुएशन पे एक बाय करेंगे लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करेंगे और इस पर ट्रैपिंग होगी तो यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आपको क्लियरिटी हो गई। अब इनर लेवल में क्या होगा कि बीच में अगर खुलती है मार्केट, अगर बीच में खुलती है और इस हायर हाई को ब्रेक करती है तो इट इज़ गुड, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बीच में खुलती है, इस लोअर लो को तोड़ती है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए इस थर्ड वाले के रो के बीच में खुल के लोअर लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली सेल कर सकते हैं। अगर इस मिड में अपर लाइन को यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर भागती है तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। तो ये जो 5-6 सिचुएशन है, देखिए मैं इसीलिए रूल बुक वाला वीडियो शेयर किया हूँ कि सिचुएशन को डिफाइन करके और उसके बाद में आप अपने पेज पे लिख लो कि भैया ये लाइन ड्रा कर लो, ये होगा तो ऐसे बिहेवियर में ये एक्ट करेंगे। तो बस यही छोटी सी क्लियरिटी थी, तो ऐसे आपको ध्यान देना है और लेवल जैसे हमने बताया निकाल के ट्रेड करना। दोस्तों एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलेगी, तो ध्यान देना है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गई, उसके साथ ही अपना लेवल मैच कर रहा है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले सकता है। तो बस इतनी ही चीजें आप ध्यान रखेंगे। और बस लास्ट में मैं सही कहना चाहता हूं कि वीक में एक या दो या मैक्सिमम तीन कॉल, इससे ज्यादा नहीं लिया जाता स्ट्रिक से, क्योंकि पहली बार ब्रेक हुआ काम अपना बन गया छोड़ो, लेकिन जो कॉल मिलेगी मैच्योर मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती दो ले लो, तीन ले लो, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैथमेटिकल वीडियो को बनाने में, इसका पूरा प्रोसेस करने में, इस चीज को समझाने में मुझे पूरा 2 दिन लग गया है। तो इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।